एक्सेल में जो मॉक टेस्ट होता है उसकी वजह से हमें बहुत फायदा मिलता है कि हम फाइनल में हमें डर नहीं लगता जाने से एग्जाम के लिए, एग्जाम फियर पूरा खत्म हो जाता है। जब मॉक टेस्ट लिया जाता है तो मॉक टेस्ट भी एक प्रकार का पेपर ही होता है, लेकिन वो मेन पेपर नहीं होता, लेकिन वो एक पेपर की फीलिंग बताता है। हम लोग उस पेपर को देते हैं, उसमें हमारा जो भी घबराहट है, जो भी डर है, वो पता चलता है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या गलतियाँ नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत सीखने को मिलता है। फिर जब हम लोग फाइनल में जाके पेपर देते हैं तो सारी गलतियाँ हम लोग नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट जो हमारा हो रहा है वो हमको बहुत हेल्पफुल कर रहा है, हमारे पैनिक को कम कर रहा है, गलतियाँ बता रहा है, जिससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मॉक टेस्ट से हमको बहुत ही फर्क पड़ा है, हमारा वीकनेस कहाँ पे, किस पॉइंट पे, इससे हम ये जज कर पाए और उस पर ज्यादा फोकस करके उसको इम्प्रूव कर पाए। मॉक टेस्ट काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस के साथ साथ वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली फीलिंग्स भी आती है। टेस्ट के बेनिफिट से हमको ये पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कितने लेवल की हुई है, किस लेवल की हुई है, क्वालिटी कैसे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और फिर एंड ऑफ द डे मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है 100+ क्वेश्चन की।